द मोर देट यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो द मोर देट यू लर्न द मोर प्लेसेज यू विल गो हैलो लर्नर्स आवर यू ऑल होप यू आर डूइंग ग्रेट वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द एंड लर्नर दिस इज थर्टी सिक्सथ पार्ट ऑफ अवर साइनोनम सीरीज नाउ लेट्स डिसकस अवर थ्री वर्ड्स आवर टू डेज थ्री वर्ड्स आर अबॉड सेकेंड वर्ड इज पेरेनियल और थर्ड वर्ड है एवर लास्टिंग तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों वर्ड्स के लिए हम सेनानिम्स क्या यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट वर्ड इज एबॉड एबॉड का हिंदी में मतलब होता है धाम या रहने का स्थान निवास स्थान इसको कहते हैं सनोनिम्स यूज कर सकते हैं रेजिडेंस ड्वेलिंग एंड क्वार्टर्स सेकेंड वर्ड इज ट्रेनियल ट्रेनियल का हिंदी में मतलब होता है चिर स्थाई जो हमेशा रहे उसको कहते हैं चिर स्थाई यूज़ कर सकते हैं एवरलास्टिंग परपेक्चुअल एंड इटर्नल। और थर्ड वर्ड इज़ एवरलास्टिंग एवरलास्टिंग का भी मतलब होता है चिर स्थाई जो हमेशा रहे इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं पेरेनियल, परपेक्चुअल एंड इटर्नल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेल दर्न कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू